चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की ऑटो न्यूज नंबर 22। हाउ वाज योर वीकेंड दोस्तों? आई होप आपने मजा किया होगा, अच्छा होगा आपका संडे। लेकिन इतनी सारी खबरें लेके आए हूं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, ध्यान से देखिए, टेक न्यूज एंड तक देखिए दोस्तों। वैसे बता दूं, पहली बार इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में ये हुआ है, एसयूवी एंड एमपीवी, ये जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, उसकी सेल इस साल में, मतलब पिछले अप्रैल से लेके मार्च तक, 1 मिलियन यूनिट, सबसे ज्यादा अभी तक, इट्स अ रिकॉर्ड दोस्तों। और आपको पता है, किया, ह्युंडई, मारुति सुजुकी, इनके जो एसयूवीज वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा बिके गए हैं, और इसीलिए लोग धीरे धीरे बड़े व्हीकल्स को ज्यादा प्रिफर करने लग गए हैं। वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव तो इतने बढ़ गए हैं, फिर भी ये जो बड़े व्हीकल्स हैं, जो गैस गजलर्स जिसे कहते हैं, उनके सेल्स बढ़ रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, पहली बार हमारी ऑटो न्यूज देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दूसरी बहुत ही सरप्राइजिंग और अच्छी खबर दोस्तों, एक एजेंसी है, यूरोपियन एजेंसी, उन्होंने मोटरसाइकिल, सबसे क्लीनेस्ट मोटर किस मोटरसाइकिल के हैं वो उन्होंने कोशिश किया जानना, और उसमें बीएमडब्ल्यू, कावासाकी, ये सभी जो थे, यामा वगैरह, होंडा, इनके जो व्हीकल्स हैं, एंड रॉयल एनफील्ड, इनके व्हीकल्स का जो पहले टेस्टिंग में, पहले सर्विसिंग में जो ऑयल होता है वो उन्होंने टेस्ट किया साइंटिफिकली। और पता है किस ब्रांड का जो मोटर्स होते हैं, किस ब्रांड के व्हीकल्स के जो मोटर्स होते हैं सबसे क्लीन है? रॉयल एनफील्ड। यस दोस्तों, रॉयल एनफील्ड के जो बाइक्स होते हैं क्लीनेस्ट होते हैं। सो यस, अच्छा लगा मुझे ये सुन के, आई होप आपको भी अच्छा लगा। वैसे दोस्तों, अच्छी लगती है हमारी ऑटो न्यूज तो हमें जरूर, हमारा मोरल बूस्ट कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, वैसे कुछ फीडबैक होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने परसों आपको बताया था कि जीप की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है, जी हाँ, सब 4 मीटर जो होती है वो आ रही है, उसका नाम अब बाहर आ गया है, जीप जूनियर। क्या नाम रखा है दोस्तों, जीप जूनियर। एंड ये शायद पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी जो ऑल व्हील ड्राइव, 4x4 ऑल व्हील ड्राइव के साथ आने वाली है। वाव, वैसे ऑब्वियसली जीप के जो व्हीकल्स होते हैं, एसयूवी, अभी जो है जीप कंपास वगैरह, जबरदस्त उनका जो इंजन होता है बहुत अच्छा होता है, जाना जाता है उसके लिए। एंड आई होप कि भाई किया सेल्टोस ने, किया सोनेट और विटारा ब्रेजा, या फिर ह्युंडई की जो वेन्यू है, इनके कॉम्पिटिशन में जीप जूनियर जो है अच्छा करेगी। लेट्स होप, बहुत जल्दी आ रही है, 2-3 महीनों में लॉन्च हो जाएगी ऐसे कहा जा रहा है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग ऑटो फैक्ट बताता हूं दोस्तों। अगर गाड़ी, हमारी जो गाड़ी रास्ते से चलती है, वो उड़ने लग जाए, और आपने सोचा कि मेरे को मून पे जाना है, तो पता है कितना टाइम लगेगा? एट एन एवरेज 60 माइल्स पर आवर से अगर आप जाओगे तो 30 दिन, 1 महीना लगेगा आपको फ्लाइंग कार से मून तक जाने के लिए। और दोस्तों, और एक चीज, हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, कि भाई पहले फ्लैश सेल में बिक गए सब फोन्स विद इन अ मिनट और समथिंग लाइक दैट, वैसे कार्स के साथ हो रहा है। BMW ने इंडिया मेड उनकी BMW 340i, ये जो है, ये कार कुछ दिनों पहले लॉन्च कर दी, पहले ही दिन में सोल्ड आउट हो गई, पहले ही दिन में। सोचिए, बाकी अब जो लोगों को चाहिए वो सब वेटिंग में चले गए हैं। सो जबरदस्त लॉन्च। और याद रखिए, ये जो व्हीकल है दोस्तों, 62.9 लाख की है। यस, एंड दैट टू एक्स शोरूम, इसका मतलब ऑन रोड 70 लाख तक जाएगी, फिर भी इन अ डे सोल्ड आउट। 2021 की बजाज पल्सर RS 200, इसका पहला टीवी कमर्शियल बाहर आ गया है दोस्तों। क्या शार्प लगती है, आई मीन आई एम टेलिंग यू, मैंने जो वो टीवी सी देखा, 2 टाइम देखा, जबरदस्त लग रही है। वैसे भी बहुत पॉपुलर होती है, और ये जो रेसिंग है, इनफैक्ट रेसिंग थ्रिल अनलिस्ट, यही उनकी जो कैच फ्रेज है वो है। एंड जितना भी मैंने देखा है दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। जी हाँ, टीवी सी आ गई है, इसका मतलब लॉन्च बहुत ही पास में है, अगले 8-10 दिनों में, शायद 2-3 हफ्तों में लॉन्च हो जाए, बट लुकिंग गुड। अब प्राइस क्या आएगी वो देखना। दोस्तों, इंडिया में एक कार को सर्टिफिकेशन मिल गया, अप्रूवल मिल गया है, ह्युंडई नेक्सो। पता है दोस्तों, ये हाइड्रोजन कार है, हाइड्रोजन के ऊपर चलती है, एंड इट इज क्रेजी। दिखने को तो अच्छी है दोस्तों, बट दिस इज क्लीन, क्लीन फ्यूल, जैसे इलेक्ट्रिक है वैसे ही हाइड्रोजन है, एमिशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इसकी जो पावर देखोगे आप, 161 bhp, 395 nm पीक टॉर्क वगैरह है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, रेंज 666 किलोमीटर की रेंज देती है ये कार, सोचिए। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को घंटे लगते हैं चार्ज होने को, इसका जो टैंक है दोस्तों, 5 मिनट के अंदर फिल हो जाता है। कुछ 156 लीटर्स का टैंक है हाइड्रोजन, जिसमें फिट हो जाएगा, 5 मिनट में 666 किलोमीटर की रेंज। वाव, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ह्युंडई नेक्सो।
हीरो की एक्सपल्स 2021 एडिशन BS6 स्टैंडर्ड जो है, मतलब BS6 पे जो आई हुई है, वो दोस्तों लॉन्च हो गई है 1.12 लाख की। और अगर आप जंप देखोगे 2019 में जो लॉन्च हुई थी एक्सपल्स, उससे ज्यादा कुछ 18,800 रुपए से ये ज्यादा है 1.12 लाख। पहले 1 लाख के नीचे आती थी, अब बढ़ गई है। वैसे BS6 की वजह से सभी कार्स के, टू व्हीलर्स के प्राइजेस बढ़ गए, बट ये ज़रा ज़्यादा ही लगता है, कुछ 15-20% से प्राइस बढ़ गई है। वैसे दिखने को अच्छी है दोस्तों, स्ट्रीट स्मार्ट बाइक है ये दोस्तों। फोर्स इंडिया की गुरखा 2021 एडिशन, जी हाँ, ये जो है ये मई में लॉन्च हो रही है। और एक बात बता दूं, ये गुरखा जो गाड़ी है सिटीज में ज़्यादा नहीं दिखती है, लेकिन विलेजेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दैट आइकॉनिक गुरखा लिखा हुआ होता है और कुकरी का लोगो होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। मई में आ रही है, देखेंगे। फाइनली दोस्तों आपको बता दूं कि वॉल्क्सवैगन की वेंटो TSI, ये जो कार है दोस्तों, सेडान है, इसके ऊपर 1.78 लाख तक, अगर आप मार्च में इसे बुक करते हो तो 1.78 लाख तक के आपको डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय वेंटो, दिस इज द राइट टाइम। जाइए शोरूम में, जाइए बुक कीजिए, 1.5-2 लाख बचते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रैक इन ऑटो न्यूज नंबर 22 खत्म होती है इधर ही। इफ यू हैव लाइक्ड इट, जी हाँ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं अभी तक वो कर दीजिएगा, शेयरिंग आप कीजिए, रिमाइंड मैं करूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।